बच्चों ने दे रखा है एनिलकीन, जिसका मॉलिक्यूलर मास 86 है। दिस ऑन ब्रोमिनेशन गिव्स ओनली टू मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स। और जो दो मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स बनते हैं, दे आर नॉट काउंटिंग स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करेंगे तो और ज्यादा होंगे। अभी हमें कहा गया है एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स इट गिव्स टू मोनोब्रोमो डेरिवेटिव। बच्चों ठीक है, दो हमारे प्रोड बन रहे हैं। द एल्केन इज, पूछा गया एल्केन क्या है। अब पहले भी देखो बच्चों, लेट अस हैव अ लुक एट द फर्स्ट कंपाउंड। इसमें हम या तो यहां पे या यहां पे अटैक करवा सकते हैं। दिस विल बी काउंटेड एज वन। बच्चों यहां पे अटैक करवा सकते हैं टू, यहां पे अटैक करवा सकते हैं थ्री, यहां पे अटैक करवा सकते हैं फोर, यहां पे अटैक करवा सकते हैं फाइव। वी हैव गॉट फाइव ऑप्शंस एंड दैट इज नॉट काउंटिंग स्टीरियो आइसोमर्स। जैसे अगर वन पे हम क्लोरीन लगा, सॉरी ब्रोमीन लगाते हैं, तो यू कैन रियलाइज दिस कार्बन इज गोइंग टू बिकम कायल। हाँ है ना, तो ऐसे हमारे कई जगह कायल सेंटर्स बनेंगे। ठीक है ना, थ्री पे अगर हम ब्रोमीन लगाते हैं तो अगेन यू विल गेट अ कायरल सेंटर। फोर पे ब्रोमीन लगाते हैं, अगेन यू विल गेट अ कायरल सेंटर। तो आइडिया क्या है, अभी हमने कायरल सेंटर तो काउंट करी नहीं, स्टीरियो आइसोमर्स काउंट ही नहीं किया। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे पांच प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। क्लियर है गाइस, स्टीरियो आइसोमर्स नॉट इंक्लूडिंग। अब सेकेंड पे आते हैं गाइस, ये तीनों विल बी काउंटेड एज वन, दिस विल बी काउंटेड एज टू, दिस एज थ्री। बच्चों तो यहां पे हमारे कितने बन प्रोड बनने हैं बच्चों, तीन। एक ब्रोमीन लगा रहे हैं, या तो हम इन तीनों कार्बन एटम्स को जिनको मैंने लाइन से ज्वाइन किया है, दैट विल बी काउंटेड एज वन। इनमें से कहीं पे भी ब्रोमीन लगाओ, दैट विल बी काउंटेड एज वन। फिर सेकेंड और थर्ड तीन बनेंगे। अब इस पे आते हैं, इधर इधर या इधर, दिस विल बी काउंटेड एज वन एंड दीज विल बी काउंटेड एज टू। बच्चों दिख रहा है नहीं दिख रहा है। सो यहां पे हमारे पास सिर्फ दो मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स बन रहे हैं एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, अच्छा स्टीरियो आइसोमर्स मैंने सेकंड में नहीं बताया, तुम देख सकते हो सेकंड में अगर तुम ब्रोमीन यहां पे लगाते हो तो यू विल गेट अ कायरल सेंटर। बच्चों तो यहां पे भी हमने स्टीरियो आइसोमर्स बेसिकली काउंट नहीं कर रहे, हम नॉर्मली देख रहे हैं। तो नॉर्मली मैंने बताया था सेकंड में कितने प्रोड बनेंगे, तीन। थर्ड वाले में भी स्टीरियो आइसोमर्स काउंट नहीं करोगी तो हमारे प्रोड कितने बनेंगे, दो, जो हमें चाहिए। बेसिकली थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। फोर्थ को अगर तुम देखो तो गाइस मॉलिक्यूलर मास 86 नहीं आ रहा। ठीक है ना बच्चों, यू नीड सिक्स कार्बन एटम्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। C6H14 इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। फोर्थ डजेंट हैव मॉलिक्यूलर मास ऑफ 86, दैट इज आउट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों, क्लियर हो गया, वेल दैट इज वेरी नाइस। अच्छा बच्चों एक और चीज, ये जो हमने थर्ड में अगर हम ब्रोमीन यहां पे लगाते हैं तो हमारा कोई काल सेंटर तो नहीं आ रहा, एक बार ऑब्जर्व करके देखो। अगर हम सेकंड पोजीशन पे लगा रहे हैं, आर यू गेटिंग अ काल सेंटर, नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि ये जो दो CH3 हैं दे आर सेम, मतलब इस कार्बन से इस कार्बन पे जो दो ग्रुप्स अटैच हैं दे आर सेम। और बाई चांस अगर हम वन पे लगा देते हैं तो क्या कहना है बच्चों तुम्हारा, तो डू यू रियलाइज ये कार्बन कायरल हो जाएगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों, एक ग्रुप ये हो गया, एक ये हो गया। थोड़ा एक काम करते हैं, लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन, दैट वुड बी बेटर। होल्ड ऑन अ सेकंड, ये हमने ब्रोमीन लिया, यहां पे ब्रोमीन लगा, तो डू यू रियलाइज आर नॉट ये कार्बन कायरल हो जाएगा। एक ग्रुप ये, एक ये, एक ये और एक हाइड्रोजन। बच्चों क्लियर है नहीं, मतलब यहां पे मैं कार्ल सेंटर इसलिए बता रहा हूं कि बाई चांस क्वेश्चन इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स होता तो हाउ डू सॉल्व इट। क्लियर और नॉट गाइस, समझ गए यहां तक, दैट्स नाइस ग्रेट।